संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट के माध्यम से जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में अमेंडमेंट लाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। प्रशासनिक ढांचे में देशभर में बच्चों के संरक्षण के दृष्टि से कुछ विशेष निर्णय लिए गए हैं। हर जिले में अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी सम्मिलित होंगे, उनको अब अधिकार दिया जाएगा कि जो एजेंसीज जेजे एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार हैं उनकी फंक्शंस को मॉनिटर करे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट का चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत फंक्शन करेंगे। आज तक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में किसी को भी सदस्य बनाने से पहले बैकग्राउंड चेक, विशेषतः उसका कोई डायरेक्शन प्राप्त नहीं हुआ था। जो अमेंडमेंट प्रस्तावित है उसमें चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में सदस्य बनाने से पहले व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक, एजुकेशनल क्वालिटीज, इन सब को भी अब सम्मिलित किया गया है। देश भर में जब किसी संस्थान को चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन चलाना होता तो वो प्रदेश की सरकार के पास अपना पर्पस लेकर जाते, तत्पश्चात वो रजिस्टर होते। अब जो अमेंडमेंट प्रस्तावित है उसमें किसी भी प्रदेश में किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की रजिस्ट्रेशन से पहले उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पहले उस इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी, उस इंस्टीट्यूशन का बैकग्राउंड चेक करने के बाद ही रिकमेंडेशन प्रदेश सरकार को भेजेंगे, जिसके अंतर्गत फिर ऐसे संस्थानों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। प्रस्ताव में ये बात भी सम्मिलित है कि अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंडिपेंडेंटली चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, स्पेशलाइज्ड जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स और रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अडॉप्शन संबंधी भी एडमिनिस्ट्रेटिवली सभी फंक्शंस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधीन किए जाएंगे। एक्ट के स्कोप को विस्तारित करते हुए जो बच्चे ट्रैफिकिंग और ड्रग अब्यूज के शिकार हुए, जो बच्चे रेस्क्यू किए गए वर्किंग थ्रू दी NCLP, जो बच्चे उनके गार्डियंस द्वारा भी अबैंडन किए गए, इन बच्चों को भी अब चाइल्ड इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन और केयर की परिभाषा में सम्मिलित किया जाएगा। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बच्चों को अगर उनके परिवारों के साथ रिस्टोर किया गया है, रनवे बच्चे हैं, अथवा अगर बच्चे मृत पाए गए, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में ये सारा डेटा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अधिकार में आएगा, जो क्यूमुलेट होकर प्रदेश की सरकारों के साथ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन इवैल्यूएशन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अब अडॉप्शन केसेस भी डिसाइड कर पाएंगे, और अगर किसी को अपील करनी हो तो वो डिविजनल कमिश्नर के लेवल पर अपील कर सकते हैं। लास्टली,
वर्तमान में तीन कैटेगरीज हैं एक्ट में, जिसमें पेटी, सीरियस और हीनियस क्राइम्स के संदर्भ में जो बच्चे कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हैं उनके अंतर्गत केसेस को कंसिडर किया जाता है। अब एक और कैटेगरी इसमें सम्मिलित की जाएगी, ऑफेंसेस वेयर द मैक्सिमम सेंटेंस इज मोर देन 7 years बट नो मिनिमम सेंटेंस इज प्रिस्क्राइब्ड और मिनिमम सेंटेंस ऑफ लेस देन 7 years इज प्रोवाइडेड शैल बी ट्रीटेड एज सीरियस ऑफेंसेस विद इन द एक्ट। हमारी ये कोशिश है कि प्रदेश सरकारों, सिविल सोसाइटी मेंबर्स के साथ चर्चा करने के बाद जो अमेंडमेंट प्रस्तावित हैं उसकी वजह से जिलावार, प्रदेशवार बच्चों को संरक्षित करने में यह कानून कारगर साबित होगा। धन्यवाद।